जाता है, क्यों? टेक्नोलॉजी है हमारे पास इसलिए। अच्छा दूसरे एग्जांपल लेंगे हम, तो विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब हमारे सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे उनका। अच्छा ये मनाया कब से जाने लगा? 1987 से। उन क्या करेंगे, साइंस डे हर साल मनाएंगे 28 फरवरी को, लेकिन लागू किया गया इसको कब? 1987। हर चीज का अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो बिना साइंस के हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम माने जो हमारे पुराने चले गए ठप हो जाता, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। आज हम खुद एक आत्मनिर्भर है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, तो साइंस हमारे जीवन के अंदर काफी महत्वपूर्ण लगता है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने आज भक्त और यूथ सेंटर में साइंस डे मुनक्कित किया है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट्स किया और हमने ये अवेयरनेस मिली है कि साइंस कितनी आज इस दौर में कितनी साइंस ने तरक्की की है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज यूथ सेंटर भक्तौर में इंडियन आर्मी ने एक नेशनल साइंस डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिस प्रोग्राम का मकसद था कि लोगों को अवेयर करना कि इस जदीद दौर में साइंस ने कितनी तरक्की की है। इसके यहाँ इंडियन आर्मी के अफसरान जो आए थे उन्होंने लोगों को अवेयर किया, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, यहाँ के बच्चे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। इसमें लोगों को अवेयर किया गया कि साइंस के टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस मिली लोगों। हम इंडियन आर्मी से ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी मुनाकत करने की गुजारिश करते हैं। आज यूथ सेंटर भक्तौर में हमने इंडियन आर्मी ने एक मुनाकत प्रोग्राम मुनाकत किया जिसका नाम नेशनल साइंस डे था। नेशनल आज हमने इंडियन आर्मी ने बताया कि साइंस क्या होता है, साइंस ने कितनी तरक्की की है, और हमें भी पता चला कि मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे चल रही है। और हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो ऐसे प्रोग्राम हमें देते रहे और हमें पता चल रहा है।